तो अब ये भैया छोले बना के दिखा रहे हैं। तो ये आ गए छोले। तो आज मैं आया हूँ शिवम छोले कुलचे वाले पर। तो ये है रोहिणी सेक्टर 13 में। तो यहाँ का नियरेस्ट लैंडमार्क है भगवती हॉस्पिटल है। ये आपको हॉस्पिटल दिख रहा होगा, उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है बिल्कुल। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इनकी ये कार्ट लगी हुई है शिवम छोले कुलचे की। तो वैसे तो मैं यहाँ पे कम से कम मुझे 10 साल तो आराम से हो ही गए हैं खाते हुए, एंड इससे A1 क्वालिटी मुझे आज तक कहीं लगी नहीं छोले कुलचे की। क्वालिटी में इन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ करा ही नहीं, एंड बहुत ही एक उतना साफ़ सफाई वाला काम है इनका। तो अब चलते हैं भैया के पास, एक प्लेट ऑर्डर करते हैं। तो अब ये भैया छोले बना के दिखा रहे हैं। तो ये आ गए छोले। ये डाल दिए प्याज। थोड़े शर्मीले हैं भैया, और कोई बात नहीं है, बस बाकी तो सब ठीक है। टमाटर डाल रहा हूँ भैया। हरी मिर्च भी डालनी भैया? नहीं नहीं भैया, हरी मिर्च को दूर से, राम राम, एकदम उछल जाऊंगा भैया मैं हरी मिर्च से। अब भैया डाल रहे हैं नींबू। एक प्लेट भैया, क्रिस्पी कर देना भैया अच्छे से। ये भैया क्या क्या डाल रहे हो बता दो। ये भैया नमक है। नमक आ गया भैया। ये चाट मसाला आ गया। चाट मसाला आ गया भैया। ये पीली मिर्च। पीली मिर्च। और ये गरम मसाला। गरम मसाला आ गया भैया। कर रहे हैं भैया मिक्स। ये क्या भैया? ये भैया धनिया पुदीने का बॉइल्ड पानी। ठीक है, धनिया पुदीने का बॉइल्ड पानी। ये खानी पैक। खानी है भैया, खानी है। ये धनिया और चुकंदर, अदरक, धनिया अदरक। छोले हो गए तैयार। तीन भटूरे और मसाला पेज, ठीक है ना, और हरी मिर्ची डाली। ये सलाद में क्या क्या डालना? सब कुछ डाल दो भैया। हरी मिर्ची डाली। तो रायता तो इनके पास आज ख़त्म है। तो आज मैं टाइम पे तो आया हूँ वैसे, बट बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। 20 रुपए का रायता मिलता है यहाँ पे, पर ख़त्म है आज। ये डाल दिया भैया ने मसाला अचार। आ गई अपनी सलाद। और ये हो रहे हमारे छोले, और ये हमारे कुलचे गरम हो रहे हैं। मेरे ना भैया, तो यहाँ पे साइड में टेबल्स लगी होती हैं, तो आप वहाँ भी बैठ के खा सकते हो। तो ऐसा खाने का तो कोई ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं है। तो ये आपको दिख रहा हो भाई साहब कितने क्रिस्पी हैं ये। और ये इसे ये देखो, ये मैंने इसे हटाया। ओए ये है अजवाइन और धनिया भाई साहब, जिसको भूख ना भी लगी हो ना उसको ही भूख लग जाए। ये दूसरी आइटम हमारी सैलेड और अचार। तो इसमें आप देख सकते हैं प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, अचार, वैसे चुकंदर भी होता है, पर आज ख़त्म हो गया सब कुछ जल्दी। तो अभी टाइम 2 ही बज रहे हैं और अभी से सब ख़त्म हो गया। तो आप खुद ही सोचो कितनी अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे। और तीसरी चीज़ है ये स्पेशलिटी इनकी जो है छोले। ओए होए ये तो
देख के ऐसे इसका कलर देखो कितना अलग है यार, बहुत ही डिफरेंट कलर है इन छोलों का बाकी छोले कुलचे वालों से। एंड इसका जो टेस्ट है ना, मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी चले जाओ इसके जैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रॉपर मसाले, प्रॉपर मिर्च, प्रॉपर सब कुछ। तो अब भैया से कुछ सवाल जवाब करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिवम है। शिवम भैया, अच्छा आपके नाम से दुकान है? क्या बात है। तो कितने टाइम से भैया दुकान? 29 साल हो गए दुकान को। वैसे तो पापा बैठते हैं। अच्छा पापा तो इसलिए आज में आ गया। अच्छा अच्छा, तो भैया ये दुकान की आपकी टाइमिंग्स क्या हैं? टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। अच्छा, तो हफ्ते में कोई ऑफ होता है फिर? नहीं नहीं, कोई छुट्टी नहीं, नहीं। सातों दिन काम करते हो? बहुत ही बढ़िया भैया। 365 दिन मान लो भैया। 365 दिन आते हो? वाह वाह यार, सही है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बताई आपने। तो बाकी अब मुझे ये बताओ यार कि क्या फ़र्क है बाकी छोले कुलचों से आपके छोले कुलचों में? भैया हम गरम मसाला खुद घर में बनाते, कूट के भून के इसको। अच्छा, पीली मिर्च लाते स्पेशल। अच्छा चलो, बहुत अच्छे लगे भैया आपके छोले कुलचे। मैं तो 10 साल से खा ही रहा हूँ ऐसे, और आज ही वही टेस्टी है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ आपने। और तो थैंक यू भैया।